सभी मित्रों को नमस्कार। मैं हंस नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन सेंटर के चैनल की ओर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। हम आज खुर्जा में बाबूलाल आर्य जी के यहां पर आए हुए हैं और ये प्राकृतिक चिकित्सा के एनडी गोरखपुर से नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं। ये अपने नेचुरोपैथी का अनुभव आप सभी को शेयर करेंगे। जी बताइए, चिकित्सा माने ईश्वरीय चिकित्सा, ईश्वर की एक व्यवस्था है। उस परमात्मा ने सारे प्राणियों को बनाया है और उस सबकी खुराक भी परमात्मा ने बनाई है। सारे प्राणी उस परमात्मा की बनाई हुई खुराक को खाते हैं और उसी के विधान के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। मनुष्य ने वो बहुत बड़ी गलती की, उसने अपना भोजन आँच पर पका के खाया। वो दिन बहुत दुर्भाग्य का था जिस दिन मनुष्य ने आज का अवतर। अन्य सारे प्राणी बिना आज पर पका हुआ जैसा प्रकृति बनाया वैसे ही भोजन खाते हैं और हम अपना भोजन अधिकांश आज पर पका के खाते हैं। तो उस आज पर पकाने से हम ये समझते हैं कि हमारा भोजन अधिक पौष्टिक और अच्छा हो गया, पर असल में आज पर पकाने से भोजन हमारा अच्छा नहीं होता, विकृत होता है, विकृत होता। और जितने प्राणी हैं उनके मल जो है प्राकृतिक रूप से आता है तो उसमें गंध नहीं होती है। और उनका गुदा का द्वार ऐसा होता है कि जब मल निकल जाता है तो उसका अपने आप ही सिकुड़ के बंद हो जाता है, धोने की आवश्यकता नहीं होती। और जो मल पर भाई एक झिल्ली सी झिल्ली सी होती है, बहुत बारीक झिल्ली सी उस मल को, तो हमें यह समझना चाहिए कि उनका पाचन ऐसा अगर मल है तो किसी प्राणी का होना ऐसा ही चाहिए। जिस प्राणी का ऐसा मल नहीं है वो रोगी है निश्चित, और जिसका ऐसा मल है जो बदबू विहीन है और उस मल के ऊपर एक बंधी हुई एक झिल्ली भी होती है बारीक सी, अगर ऐसा है तो समझिए आपका खाना ठीक तरह से पचा, आपके आते पेट सब सही है। अगर ऐसा नहीं है पतला पतला लेटरिंग आती है या आपके मल में बदबू आती है या बंधा हुआ ऐसा जो है कि आपको जोर लगा के आती है, तो ये सब लक्षण हमारे पेट की खैर। तो प्राकृतिक चिकित्सकों ने जब ये देखा कि अधिकांश लोगों का मूल कारण ही कब्ज है, कब पेट खराब होना, तो उन्होंने इतने मुख्य रूप से बीकूने हेडोडजस्ट है, बीकूने ने कटे स्नान का आविष्कार और कटे स्नान देने से उसने सारे लोगों का एक ही कारण बताया कि विकारीय द्रव्य रुक गया है और एक ही इसका इलाज है कि उसको लेटरिन के द्वारा निकाल दिया। तो उनका सिद्धांत यह है, उसने न्यू साइंस ऑफ हीलिंग पुस्तक लिखी और उसने ये कहा कि अगर हमारा मल साफ हो जाए, अगर हमारे पेड़ सही हो जाए जो कटे स्नान से उसने किया और सब लोगों को वो इसी तरह से ठीक करता है, तो ये एक प्रधान उपाय कटे स्नान का भी पुणे ने बताया। और एडोडजस्ट ऐसा ही एक डॉक्टर हुआ, उसने कहा कि हमारा जीवन बदलित, हम चीज पर सीधे संपर्क में आने, हम जूते नहीं पहने, हम कपड़े कम से कम इस्तेमाल करें, हम जीवन को प्राकृतिक जीवन तरह से जीने और हम किसी पर सीधे धरती के संपर्क में आमें तो में तो किसी पर तो में उसने अपना इस तरह से करके उसने प्रकृति के जरूरी का कहा और मिट्टी की पट्टी उसने पेड़ों पर रखने की बात कही। तो वो प्राकृतिक किताबें इसी तरह से और आविष्कारक हुए और उन्होंने मिट्टी पानी धूप रखवा इस पंच तत्व से प्राकृतिक ढंग से मनुष्य को स्वस्थ किया और प्राकृतिक भोजन करने पर जोर दिया। हम फलाहारी होने चाहिए थे परंतु युगों से हम अपना भोजन आग पर पका के खाते हैं और अन्न खाते हैं, तो अब हम फल तो खाना हमारे लिए अब असंभव जैसा हो गया फल पर खाते रहना, परंतु फिर भी हम फल खाने पर जोर दें और अपना भोजन अधिक से अधिक विकृत नमक मिर्च मसाले से विकृत